अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि क्यूआ की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। एक अपडेट हुरूप वालों के लिए भी है। हुरूप लगने का जो है सिस्टम में कुछ थोड़ा तो चेंज हुआ है, जो कि आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट के बाद जो है आप लोगों का कफाला भी आसान होने वाला है। तो चलो, सबसे पहली अपडेट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है। जैसा कि आप लोग को पता है कि फर्स्ट फेज का जो है यहाँ पे बताया गया था कि फर्स्ट फेज में जो है सारी कंपनी को जो है 20% अपनी वर्कर का जो है क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो है अभी सेकेंड फेज का जो है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, जिसमें जो है सेकेंड फेज में अब कंपनियों को जो है 50% जो है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अपने वर्कर के साथ करना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या आसानी होगी, जैसे ही आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्यूआ पे, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप टर्मिनेट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आप देखोगे कि भाई आपका सब कुछ सही है नहीं है, नहीं आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, सही है तो फिर एक्सेप्ट करोगे। जब चाहो आपकी मर्जी होगी टर्मिनेट करके आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, आप कफाला ले सकते हो। बहुत सारा फ़ायदा है जैसे ही क्यूआ पे होगा। हुकूमत को भी पता चलता है कि हाँ किस वर्कर की कितनी सैलरी है जब क्यूआ पे होगा। तो ऐसे पेपर पे होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि भाई आपका क्या है, आप और कंपनी के बीच में ही रहता है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हुकूमत के बीच में और आप भी होगे इसमें, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे ही क्यूआ पे होगा आप लोग के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। अगली अपडेट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हुरूप वालों के लिए है। हुरूप वालों के लिए अभी जो है यहाँ पे कुछ अलग नियम आया। पहले आपको पता है कि हुरूप का, मैंने बहुत बार हुरूप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, बट यहाँ पे अभी एक बात पता चली है कि अगर आप 15 दिन तक कंटिन्यू एक्सेप्ट अब्सेंट रहते हो अपनी कंपनी से, तो आपकी कंपनी के पास राइट है हुरूप लगाने का। बट हुरूप का नियम तो अभी चेंज हो चुका है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है आगे पहले की वीडियो में। यहाँ पर बता दूँ, हुरूप अब लगता नहीं है। अब हुरूप लगाने के लिए जो आपकी कंपनी को जैसे ही हुरूप के लिए एप्लीकेशन डालती है, तो वो लिखता है तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क ही है। बट ये जो आपके पास 60 दिन का टाइम भी होता है, इस पीरियड में आप अपने चाहो तो कफाला ले सकते हो किसी भी नई कंपनी को ढूंढ के, या फिर आप इसी बीच में एग्जिट जा सकते हो। अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आई है कि अगर आप इस बीच में एग्जिट नहीं जाते हो, ना कफाला लेते हो, तो आपको यहाँ से परमानेंटली बैन करने का भी प्लान चल रहा है। ये आगे आने वाले टाइम में ये अपडेट आएगी, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा 15 दिन कंटिन्यू एब्सेंट रहते हैं तो आपके ऊपर ये हुरूप लग सकता है। हुरूप के बारे में ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा 30 दिन अगर एक साल में आप एब्सेंट मारते हो, तो आपकी कंपनी के पास तब भी राइट है, बिना बोले हुए बिना बताए हुए एब्सेंट करते हो, तो बिना कोई रीजन की वजह से एब्सेंट करते हो फिर भी आपकी कंपनी के पास राइट है। वो जो है 30 दिन अगर एब्सेंट मारोगे तब भी हुरूप लगा सकती है। ये बात का आप लोग ध्यान रखना, केयरफुल रहना। इसके अलावा जो थर्ड अपडेट आई है ये भी क्यूआ की तरफ से ही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अब क्यूआ के थ्रू जो है यहाँ पे टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा जो है इशू करने का ऐलान कर दिया है। कोई भी कंपनी चाहे तो टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा इशू करके कोई भी बंदे को बुला सकती है, इंडिया से आना चाहो कहीं से भी। इसकी वैलिडिटी जो है 3 मंथ होगी। 3 मंथ तक आप यहाँ पे सऊदी में काम कर सकते हो। आपको ना इकामा की ज़रूरत होगी, ना ही वर्क परमिट, इसमें से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी 3 मंथ में वही वीज़े पे काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंपनी चाहे तो आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड भी कर सकती है। ये सब तो डिपेंड करेगा भाई उसके पास काम है नहीं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, सब कुछ के ऊपर। बट अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी लोग नए आने वाले हो उनको कफील वो उनको जो है एजेंट लोग ठग सकता है। तो आप लोग ध्यान से रखना आपको वीज़ा कौन सा दे रहा है, टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा या वर्क वीज़ा दे रहा है, उस हिसाब से ही आप लोग पैसा देना वहाँ पे एजेंट को। नहीं तो वो बोलेगा कि भाई ये तो आपको सऊदी भेज रहा हूँ, आप चले जाओ। और वहाँ पर आप आओगे तो पता चलता है आपका टेम्प्रोरी वर्क वीज़ा, आपसे वो पैसा भी ज़्यादा ले लेगा। टेम्प्रोरी वर्क वीज़े पर कोई भी आओगे तो आप लोग पैसा ज़्यादा नहीं ले देना, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का भी उतना खर्चा नहीं है। बस वो वीज़ा निकालेगी आ जाओगे, नहीं आपको एक कामा बनाना पड़ता है, ना वर्क परमिट। वर्क परमिट 1 साल का बनाने के लिए आपको पता है 9600 लगता है यहाँ का, तो इतना लगता है सऊदी रियाल। तो आप लोग अगर टेम्प्रोरी वर्क वीजे पे आओ तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आप अपना पैसा भी कम देना एजेंट अगर मांगे तो। अगर आपका कोई सवाल हो पूछ सकते हो। आप लोग को ये अपडेट कैसी लगी, मेरी कंपनी के भी वर्कर लोग पूछते थे भाई कब आएगी ये अपडेट, क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट कब से होगा। आई थिंक अब जो है आप लोग का भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।